Welcome back to my channel, friends. Hope you all are doing good in your life. So the winters are here, or we again have to reset our home according to this season. तो समर्स में मैंने आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजर्स की एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आदि की और मेरा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था. अब उसी सेम स्पेस को हम किस तरह से अपने विंटर के क्लोथिंग्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो शेयर की है. तो लेकिन उससे पहले मैं ज़रा अपना थोड़ा बहुत पेट पूजा कर रही हूँ. तो यहाँ पे अभी दिन का टाइम, मतलब लाइक मिड मॉर्निंग हो गया था, तो मैंने सोचा चलिए, तो अब जब विंटर्स आ ही गई हैं तो विंटर्स के फ्रूट्स का भी थोड़ा सा मज़ा ले लीजिए और विंटर की धूप का भी थोड़ा सा मज़ा ले लें. तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने अपने आप को ब्रेक दिया, और उसके बाद मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ था एक्चुअली, कि मुझे इतने घंटे में, एक घंटे में मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं समर्स के कपड़े निकाल के और विंटर्स के कपड़े जो है वो अरेंज करने हैं, एंड देन समर्स के कपड़ों को भी अंदर रखना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बताती हूँ तो करना क्या है. तो पहले तो जितने भी सारे कपड़े हैं सब कुछ जो है वो अलमीरा से हम बाहर निकाल लेंगे. तो आपने ये पुराने वीडियोस में देखा होगा कि ये मैंने ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे, तो हम उन्हीं ऑर्गेनाइजर्स में करेंगे. और सब कपड़े बाहर निकालने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो अलमीरा है उसको अच्छे से साफ कर लिया था, एंड देन उसके बाद अब मैं जो है वो समर्स के जो कपड़े हैं उनको मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ. तो अभी भी जो, क्योंकि ग्रोइंग एज है बच्चों की, तो जल्दी छोटे या हो जाते हैं कपड़े, तो कुछ ऐसे कपड़े जिनको मैं, मतलब छोटे हो गए अब नहीं डालेगा वो नेक्स्ट सीज़न, तो वो मैं बाहर निकाल दूँगी, अलग से रख लूँगी, किसी कोई नीडी है उसको दे दूँगी, या फिर नहीं होगा जो बिल्कुल ही पहनने वाले नहीं होंगे उनको डिस्कार्ड कर दूंगी. एंड जो फुल स्लीव्स की शर्ट्स हैं या टी शर्ट्स हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ, बिकॉज वो अभी इतनी सर्दियों में डल जाएगी, क्योंकि अंदर तो डाल ही सकते हैं. एंड नाउ जो शॉर्ट्स वगैरह होती है वो तो बिल्कुल नहीं डलेंगी अभी, तो वो भी मैं अंदर रख रही हूँ. तो अलग से एक जो मैंने जो बनाया है इसमें पाइल, वो सब के मैंने ना अलग अलग पाइल्स बना लिए हैं, सो डैट कि जब मैं समर्स में वापस निकालूं तो मुझे ढूंढने में मुश्किल ना हो उसको, और वो मुझे आसानी से मिल जाए. तो अब जो है बारी आती है विंटर्स के क्लोथिंग की. तो विंटर्स के क्लोथिंग को पहले हम जो है अपने अलमीरा में रखने के लिए उस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हमें चाहिए. तो यहाँ पर मैंने थोड़े एक और जो है, मेरे पास अपना जो बैग था शॉपिंग बैग वो थोड़ा बड़ा था साइज़ में, वो ले लिया है. तो यहाँ पे मैंने जितनी भी स्वेटशर्ट्स हैं पहले उनको अरेंज करने के लिए उसको जो है एक ऑर्गेनाइज़र की तरह बना लिया है. आपने मेरा घर ऑर्गेनाइज़र वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिएगा कि किस तरह से बनाया है. बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा, कम पैसों में, मतलब हमने, मुझे नहीं लगता कि पैसे भी लग रहे हैं, बिकॉज शॉपिंग हम कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं तो हमें ये सब बैग्स तो मिल ही जाते हैं, तो बस आपको वही यूज़ करके ये बना लेना है. नाउ स्वेटशर्ट्स को ना कुछ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि उनका जो फोल्ड है वो एक बराबर सा है, तभी हम उनको ना अच्छे से अरेंज कर पाएंगे अपनी जो भी ऑर्गेनाइज़र है हमारा उसमें. तो यहाँ पे मैंने जो है स्वेटशर्ट जो हुडेड वाली थी उनको भी इसी तरह से किया है, और जो नॉर्मल जो स्वेटशर्ट्स हैं विदाउट हुड उनको भी इसी तरह से किया है. चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे फोल्ड करना है हमें इसे. तो आपको स्वेटशर्ट लेना है, एंड देन स्वेटशर्ट को जो है वो आप फ्रंट की साइड से ही प्लेस कर लीजिए अपने सामने, देन बीच में दोनों आर्म्स को लेके आइए और एक साइड फोल्ड कर दीजिए, एंड देन उसके बाद उसको ऊपर से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ अंदर टक कर दीजिए. एंड नाउ अब हम ऑर्गेनाइज़र जो है अपना, जो भी हमने बनाया है, मैंने देखिए इसको कुछ बनाया भी नहीं है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज किया है और कुछ भी नहीं, और सारे के सारे अपने जो स्वेटशर्ट्स हैं हम वो इसमें डाल देंगे. और देखिए इससे ना हमें होगा क्या कि हमें एक तो जब हम एक निकालेंगे तो दूसरा गिरेगा नहीं, ठीक है, और दूसरी बात
कि सब जो है हमें बच्चा अगर खुद भी देखना चाहे कि क्या चीज़ चाहिए उसे, तो वो आराम से ढूंढ सकता है, उसे कलर्स यहीं पे दिख रहे हैं सामने कि किस तरह से प्लेसमेंट है, तो आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो है ना हमने अगर ऑर्गेनाइज करके रखी होती है ना, तो वो टाइम से हमें मिल जाती है, हमें उसके लिए ज़्यादा जो है ना वो दौड़ भाग नहीं करना पड़ता या सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने समर्स की जो उसके स्कूल ड्रेस थी, बिकॉज ऑफ विंटर्स की तो अलग स्कूल ड्रेस है, तो जो समर्स की स्कूल ड्रेस थी उसको भी मैंने एक अपने जो बैग में है वो रख लिया है, और ऊपर मैंने यहाँ पे नोट जो है वो लगा दिया है कि ये समर की स्कूल ड्रेस है, ताकि जब समर्स आएँ तो यहाँ पे हमें ढूंढने में मुश्किल ना हो। इसी तरह से मैंने जो उसकी शॉर्ट्स थी उसके, उसको मैंने एक बैग में रख के वहाँ पे शॉर्ट्स लिख दिया है, और दूसरे बैग में मैंने जो उसके पजामास थे या टी शर्ट्स थी उनको रख के वो लिख दिया है। और यहाँ पे अब आती है बच्चों की सॉक्स, क्योंकि ये सॉक्स कभी एक गुम हो जाती है, कभी नहीं मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो इस तरह से अगर हम फोल्ड करेंगे ना तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और गुम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे रखना क्या है कि आप एक बारी ना दोबारा देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। तो बस इसी तरह से अगर हम जो है ना सही से अपने चीज़ों को अरेंज करेंगे ना, तो वो हमें जो है वो मतलब बहुत कम स्पेस में भी हम ज़्यादा चीज़ें जो है अपनी अरेंज कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना सारे वही बैग्स यूज़ किए हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक आधा बैग मैंने और निकाला है ताकि मैं उसमें उसको अरेंज कर दूँ। तो चलिए अब स्वेटर्स की बारी आती है, और स्वेटर्स को मैं यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है वो फोल्ड कर रही हूँ, और मैंने इस तरह से इसको बैग में जो है वो अरेंज कर लिया है सब स्वेटर्स को। और बस अब हम इस बैग को भी अपने जो अलमीरा है उसमें सेट कर देंगे, और देखते हैं कि किस तरह से अब पूरी प्लेसमेंट हुई है। तो सबसे पहले तो ये वाले जो बैग्स हैं, जो नीचे बैग्स हैं, इसमें हैं सारी की सारी स्वेटशर्ट्स, एंड देन जो ये वाला बैग है इसमें हैं सारे के सारे टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, और इस वाले बैग में हैं जीन्स एंड पजामास जो कि विंटर वियर वाले हैं। अब देखिए ये उठाना भी इतना आसान है क्योंकि इसको हम इधर से उधर जो है वो आराम से रख सकते हैं। इस वाले में आगे सारे के सारे सॉक्स के पेयर्स, और इस वाले में उसके इनर वियर्स और हैंड ग्लव्स या फिर कुछ मफलर्स वगैरह वो आ गए। यहाँ पे आ गए स्वेटर्स, और यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखा है जिसमें कि उसकी बुक्स हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ मैंने जो है जैकेट्स वगैरह जो है वो हैंग कर दी हैं यहाँ पे, और इस तरह से हमने अपनी पूरी स्पेस का फुल यूज़ कर लिया है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, और विंटर्स के कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है बहुत आराम से कम स्पेस में। तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के